हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको मध्य प्रदेश के 10 सबसे बड़े और व्यस्त रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में अगर कोई भी गलती हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए नंबर 10 से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 10 की सूची में आता है खंडवा जंक्शन। हाँ दोस्तों, यह हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन जबलपुर भुसावल सेक्शन पर है। यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म हैं और यह सेंट्रल रेलवे के तहत आता है। अब दोस्तों बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पर आता है बीना जंक्शन। बीना जंक्शन यह मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में स्थित है। इस रेलवे स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म स्थित है। दिल्ली मुंबई कटनी कोटा रूट पर यह स्थित है और यहाँ से वहाँ पर ट्रेन आती जाती रहती है। इस स्टेशन से भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस, भोपाल रीवा सीवांचल एक्सप्रेस, भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें यहाँ से गुजरती है। अब दोस्तों, नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 की सूची में आता है इंदौर रेलवे स्टेशन। यह प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। भोपाल उज्जैन ग्वालियर बीना आदि स्टेशनों के अलावा मुंबई नागपुर पुणे देहरादून बेंगलुरु उदयपुर अमृतसर पटना से भी यहां पर वेल कनेक्टेड है। अब दोस्तों बात करें नंबर 7 की, तो मध्य प्रदेश के नंबर 7 के जो सूची में आता है वो आता है बुरहानपुर रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन में 2 प्लेटफॉर्म शामिल है और बुरहानपुर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के उन व्यस्त रेलवे स्टेशनों में भी शामिल है। अब दोस्तों बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 के सूची में आता है जबलपुर जंक्शन। जबलपुर वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। यह स्टेशन हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन के प्रमुख स्टेशनों से एक है। यहाँ पर 6 ब्रॉड गज 4 प्लेटफॉर्म और 1 नैरो गाज प्लेटफॉर्म है। यह भोपाल उज्जैन ग्वालियर जंक्शन इंदौर खंडवा रतलाम और बीना से वेल कनेक्टेड है। बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 की सूची में आता है रतलाम जंक्शन। यह वेस्टर्न रेलवे के तहत आता है। यह पुणे सोलापुर अहमदाबाद जोधपुर गया मुंबई नई दिल्ली इत्यादियों के साथ बड़े बड़े और रेलवे जंक्शनों के साथ वेल कनेक्टेड है। बात करें नंबर 4 की, तो मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से नंबर 4 पर आता है ग्वालियर जंक्शन। इस स्टेशन का संचालन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के पास है। भोपाल एक्सप्रेस ताज एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस गरीब रथ और शताब्दी एक्सप्रेस समेत कुल 150 ट्रेन यहां रुकती है। इसके अलावा 10 ट्रेन ग्वालियर जंक्शन से शुरू होती है। यहां से मुंबई पुणे कोलकाता चेन्नई उज्जैन हैदराबाद आदि के लिए सीधी ट्रेनें मिलती हैं। बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 की सूची में आता है भोपाल जंक्शन। भोपाल जंक्शन 200 से ज़्यादा ट्रेनें यहां से गुजरती है। भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस और साने भोपाल एक्सप्रेस इसी स्टेशन से शुरू होती है। सांची स्तूप जाने के लिए नेपाल म्यांमार थाईलैंड मलेशिया जापान और चीन के आने वाले यात्री इसी रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 के लिस्ट में आता है कटनी जंक्शन। हाँ दोस्तों, कटनी जंक्शन यह स्टेशन नई दिल्ली बड़ोदरा हावड़ा मुंबई चेन्नई बेंगलुरु आदि से सीधे जुड़ा हुआ है। यहाँ से लगभग 242 ट्रेनें रोज गुजरती है। अब दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नंबर 1 पर कौन सा जंक्शन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशनों में नंबर 1 की सूची में आता है इटारसी जंक्शन। हाँ दोस्तों, इटारसी जंक्शन यह स्टेशन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में है। यहाँ से हर रोज 330 से भी ज़्यादा ट्रेनें गुजरती है।
यहाँ 7 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, गोरखपुर, पटना आदि के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाती है। यह स्टेशन वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।